अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर 2000 सब्सक्राइबर्स, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस देखने के लिए। आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को पता लग ही गया है कि 3 to 4 शेड्स हम यूज़ करेंगे और सेम शेड्स यूज़ करेंगे और 3 लुक्स क्रिएट करेंगे। तो जल्दी जल्दी से वीडियो शुरू हो चुकी है। मैंने जो है वो ब्राउन शेड ले लिया है, दोनों तरफ ब्राउन शेड अप्लाई किया है किस तरीके से कि आप लोग देख रहे हो, और उसके बाद एक पिंक शेड लेके मैं जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा वेरिएबल लुक हैं तीनों लुक्स जो हैं वो वेरिएबल हैं और सिंपल हैं, सॉफ्ट लुक हैं। जो लोग चाह रहे थे कि सॉफ्ट लुक बताएँ तो उन लोगों के लिए ये लुक बेस्ट है। वीडियो की स्पीड जो है वो मैंने बढ़ा दी है ताकि तीनों लुक जो है वो जल्दी जल्दी क्रिएट हो सकें और वीडियो लंबी ना हो। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ जाएगा क्योंकि बहुत ही इजी है, सिंपल 2 to 3 शेड्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए तो आपने देखा मैंने शिमर शेड जो है वो बीच में लगा दिया, एक बहुत ही अच्छा हेलो आई सा इफ़ेक्ट आ गया है और बहुत सॉफ्ट है, ऐसा भी नहीं लग रहा कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो मेकअप किया हुआ है, सॉफ्ट लुक है। यहाँ पर जो है वो मैं लाइनर लगा रही हूँ ब्राउन शेड के साथ, एक डार्क ब्राउन शेड के साथ मैंने लाइनर लगाया है। तो लाइनर लगाने के बाद ये हमारा जो फर्स्ट आई का लुक है वो डन हो गया है और आप देखो कैसा लग रहा है। मैंने जो है वो आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा क्लीन कर लिया था, चाहो तो करो, बहुत अच्छा फिनिश लुक आता है उससे। तो खैर उसके बाद जो है ये वाला लुक हमने कर लिया साफ, वाइप कर लिया उसको और दोबारा से वही दो सेम शेड लाइट ब्राउन और पिंक में लूँगी, लाइट ब्राउन, पिंक, डार्क ब्राउन और एक शिमर शेड। तो अब आप देखो कि मैं ये इसमें जो है वो इसको डिफरेंट किस तरीके से बना रही हूँ कि मैं इसमें ज़्यादातर आउटर कॉर्नर पे ही शेड लगा रही हूँ और अभी तक हम जो है वो आईलिड पे और जो क्रीज एरिया होता है वहाँ पर हमने कलर कुछ भी नहीं लगाया है। सबसे पहले लाइट शेड लगाया, उसके बाद एक डार्क शेड लगाया ताकि एक स्मोकी सा इफ़ेक्ट आए और उसके बाद यहाँ पर अब मैं जो है वो क्रीज पर पिंक शेड लगा रही हूँ। साथ साथ जो हमने आउटर कॉर्नर पे ब्राउन शेड्स लगाए हैं उनको भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ सेम ब्रश के साथ। हल्का हल्का करके आप कलर और ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, जब तक आपको जो आप का जो डिज़ायर शेड है आपको ना मिले शेड्स को आप दोबारा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिमर शेड वही सिंपल सा एक स्किन सा शिमर शेड है और अब मैंने वो हाफ क्रीज पर जो है अप्लाई किया है। आप देख रहे हो जो लुक है वो बहुत ही अमेजिंग सा लग रहा है और इसमें जो आउटर कॉर्नर है वो एक स्मोकी इफ़ेक्ट दे रहा है, तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत सिंपल होता है। और अगर आप इस तरीके से डिफरेंट शेड्स के साथ भी आप अगर लगाना चाहो, जैसे पर्पल लगाना चाहो या फिर मरून उनके साथ इस तरीके से लगाना चाहो, वो भी बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पर अब मैंने जो आउटर कॉर्नर्स हैं उसको कर लिया क्लीन और क्लीन करने के बाद लुक डन हो गया है। अब हम आ गए हैं अपने थर्ड लुक की तरफ। के लिए सबसे पहले जो डार्क ब्राउन शेड है उसके साथ हमने क्रीज पर एक लाइन बना ली है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने जो लाइट ब्राउन शेड है वो लेना है और इस लाइन को ऑन कर लेंगे। देखने में ये लुक मुश्किल लगता है लेकिन जब आप ये लुक अप्लाई करोगे आई के ऊपर ये लुक बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसकी वजह से जो आती है आपका जो क्रीज एरिया है वो बड़ा लगता है, जिसकी वजह से आपकी आँख भी बड़ी लग रही होती है। तो यहाँ पर वही सेम पिंक शेड मैंने लिया है, ब्राउन शेड के साथ ब्लेंड कर लिया, उसके बाद पिंक शेड ले लिया। पिंक शेड को भी हमने ओवरऑल
तीनों शेड्स को ब्लेंड कर लिया, ऐसा नहीं है ऊपर नीचे करना है, बस ओवरऑल हमने ब्लेंड कर लिया एक फ्लफी ब्रश के साथ। और ब्लेंडिंग होने के बाद मैं इसको जो है वो एक मेकअप रिमूविंग वाइप के साथ क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर मैंने हल्का सा कंसीलर अप्लाई कर दिया। अब पहले मैं जो है वो डमी पे कंसीलर वगैरह चीज़ें, फाउंडेशन, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करती थी, अब मैं मिनिमम रखती हूँ सब चीज़ें और उसी में जो है वो बहुत अच्छा लुक हो जाता है। तो अब वो जो पिंक शेड था वो सबसे पहले मैंने जो लाइनर जहाँ हम लगाते हैं हमने उस एरिए में वो पिंक शेड लगाया। नीचे जो है अब मैं एक लाइट ब्राउन शेड लगा रही हूँ एक छोटे ब्रश के साथ, और सबसे लास्ट में हम एक डार्क ब्राउन शेड लगा रहे हैं और ये भी जो है वो स्मोकी सा लाइनर बन जाता है। तो यहाँ पर जो है वो अब शिमर भी मैंने वही शिमर ऐड किया है, स्किन शेड है और लाइट सा बिल्कुल, इसको मैंने ऐड कर दिया। तो हमारे तीनों लुक्स डन हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।